सचिन आपके साथ बैठे हुए हैं सर, ये सचिन आपके साथ नहीं नहीं यहाँ सचिन आपके साथ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम चलाएंगे, वो चलाएंगे ये देश को बचाने की बात हो रही है क्या? ये देश को बचाने के लिए देश में कानून की रक्षा नहीं हो रही है। आप विधायक भी है, आप कानून की रक्षा करिए, विधायक आप कानून की रक्षा करिए, कानून की रक्षा करिए। आप लोकतंत्र में जनता की चलती है सर। जनता जनता का नाम आप जनता के नाम पर धमकी देंगे? कौन जनता के नाम पर धमकी दे रहे हैं? आपके सहयोगी भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। जनता जिस फिल्म को देख रही है, नहीं देखना चाहता, ब्रेक लेगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, नहीं चलेगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, नहीं चलेगा फिल्म। सबसे पहले आपको न्यूज 18 को इस शब्दावली के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सबसे पहला बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आया था, सेना और मोदी जी की तारीफ की गई थी। सर आज सुबह से मैं देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता इस वाणी को बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तारीफ करी थी। कहां तारीफ करी थी वो जगह दिखा दीजिए, कहां तारीफ करी थी वो वीडियो दिखा दीजिए, उसका सबूत आप दे दीजिए, आज उसका सबूत दीजिए। कहां नरेंद्र मोदी की तारीफ करी थी और सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करी थी, उसका सबूत आज आप दीजिए, सबूत दीजिए आज आप लाइव सबूत दीजिए। मैं मौका देता हूं, तो माफी मांगोगे? जी सबूत दीजिए, दीजिए माफी मांगोगे सर? मेरे से माफिया पहले मंगवा लीजिए, सबूत दे दीजिए। अगर सबूत दीजिए मांगोगे? जी जी सबूत बताओ, माफी मांगोगे? मैं माफी मांग लूंगा, सबूत दे दीजिए सर। हाँ चलिए लीजिए, ये लीजिए सबूत। हाँ बताइए क्या सबूत है। पहली बार इन्हें फर्स्ट इन 28 मंथ राहुल गांधी प्रेजेज मोदी फॉर स्ट्रगल स्ट्राइक ऑन पीओके। ट्विटर से भी दिया था, बाइट भी दिया था। सोनिया गांधी ने प्रेस रिलीज में जारी किया था। कहाँ लिखा हुआ है बताइए? सोनिया गांधी का भी देख लो, उनके ट्विटर हैंडल में कहाँ लिखा हुआ है बताइए मुझे आप। राहुल गांधी ने जो बोला था खून की दलाली के पीछे नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं, मैंने बाइट प्ले करी यहाँ पर, मैं दोबारा बाइट को प्ले कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ जो आपके चुप कराने से चुप हो जाएंगे क्या? ट्विटर हैंडल देखना पड़े, पिछले दो साल से तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे आप लोग, अब बोल रहे चुप हो जाओ, बोलो मत, सबूत सामने आ गया, चुप हो जाओ, चुप रहो, पहले सुनो सबूत, क्यों चुप रहो अपनी डिबेट के अंदर? फिर ला सबूत, सुनो क्या सबूत है ये, कौन सा कागज दिखा रहे हैं आप? अरे दे रहा, वीडियो प्रूफ दिखाइए मुझे, मैंने वीडियो प्रूफ आपसे मांगा, दिखाइए मुझे आप। खामोश रहो, हाँ खामोश रहने के लिए डिबेट कर रहा हूं मैं, ये इंडियन एक्सप्रेस क्या है, सुनो खामोश रहो, ये इंडियन एक्सप्रेस है, फ्रंट पेज है, आपको सूट सोनिया गांधी का बयान है, आपको सूट सोनिया गांधी है, ये संजय निरुपम को भी दिखाते हैं ना, ये सलमान खुर्शीद को भी दिखाते हैं, दिग्विजय सिंह को भी दिखाते हैं, जो कह रहा था सर्जिकल स्ट्राइक है। खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो सर, इतना बौखला क्यों रहे हो आप? बेईमान इसलिए कि निष्पक्ष नहीं हो। अरे मैं को आप बेईमानी का सर्टिफिकेट देंगे सर, इतना क्यों बौखला रहे हैं? सबूत सामने आ गया तो आप क्यों बौखला रहे हैं इतना? प्रेस रिलीज जारी की थी, ये वीडियो देख के क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है? माफी मांगो सोनिया सर, मैं माफी मांगता हूँ इस देश से कि मेरे विपक्ष मैं कंप्लीट कर लूं जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे, हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। मैं कंप्लीट कर दूं अमित देवगन? नहीं बताइए, आप भी धर्म से जोड़ने का सवाल करने का मन है तो कर, नहीं बताइए आप भी धर्म से जोड़ने का सवाल करने का बॉय तो कर लो, थोड़े सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमित देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं।
मैं कंप्लीट कर लूं अमरीश देवगन, आप बोलिए अपनी बात कही। मैं कह रहा हूं आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? नहीं कंप्लीट करूं नहीं करूं बताइए। के बारे में पहले आप बताइए, आपके किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं नहीं प्लीज मैं बताइए, रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने बताइए? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा? गलत है, रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है दिव्यांश भंडा को, कुछ तो जायज देवगन अब सुन लो तुम अपने बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीज बो रहे हो बोल ले दो ना पहले, देश उनको भुगत रहा है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके चैनल के सम्मानित व्यूअर्स का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो मुझ भुगत रहा है राजीव त्यागी, बोलिए अब फ्रेंड। वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। आपने खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात आप बात करिए, तो मुझे बुलाए मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करिए, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला, बात करो, बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूँ, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में अगड़ा पिछड़ चाहते हो, तुम थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। पर मैं नहीं तो लग गए। आपके प्रति जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। और सुनिए सर, अरे यार आप मजाक वाले आदमी हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप बीच में पटर पटर बोला करते हैं, आपने बुलाया है, बात तो सुनिए पूरी। आपको शर्म नहीं आती कि आप ऐसी मर्यादित भाषा में बात करते हैं? आपने गलत बोला कि मैंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करा। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्सेस अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि जो सरकार से पैसा लेते हैं वो नहीं जा रहे हैं? रविश कुमार गए, उन्होंने रिपोर्टिंग भी की, उन्होंने वहां भाषण भी दिया, उनको बोलने भी दिया गया, उन्होंने बात भी की। कई पत्रकार गए, छोटे गए, बड़े गए, बहुत से गए, बहुत से नेता भी गए, लेकिन जो सरकारी नहीं। देखिए आप इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे मेरी डिबेट के अंदर। आप मर्यादित बोल सकते हैं तो बोले, अन्यथा कृपया करके मत बोले। आप गलत भाषा बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार में भी कोई नहीं, नहीं सर, नहीं नहीं मुझे समझ में नहीं आता सरकारी क्या होता है। नहीं आप थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। आपके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, आपके सवालों के जवाब निकलवाने के लिए मैं लूंगा टक्कर उनसे जो अक्सर सवालों के जवाब नहीं देते और अक्सर निकल जाते हैं बचकर, लेकिन टक्कर में बच के नहीं निकलेंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। इस देश का कण कण, इस देश का जन जन, संपूर्ण जनमानस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।